हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही, हजारों व्यंजन बनाए जा रहे हैं अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का व्यंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो धार्मिक विधियां हैं उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए ये विवाह किया जा रहा है, तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। अंबानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर ये समाज चलता है। महाजनों ये नगद सपन्था, ये भी कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सहयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा विशिष्ट जन कर देते हैं आम लोग भी उसी का अनुसरण अनुकरण करते हैं। तो हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही, पूरी तरह से इस बारे में दृढ़ता से व्यवस्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परोसी नहीं जाएगी। हजारों व्यंजन बनाए जा रहे हैं अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का व्यंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो धार्मिक विधियां हैं उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है, और आशीर्वाद गोष्ठी में पहले भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर श्रेष्ठ पुरुषों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए ये विवाह किया जा रहा है, तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं। हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामान्य लोगों में भी जाते हैं, गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं, हमको पता है। आज परिस्थिति ये है कि विवाह का आयोजन करने पर बाराती ही नहीं आते, कह देते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, अमुक चीज़ की व्यवस्था है कि नहीं। हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते, लेकिन बारातियों की मांग है, महाराज जी हम क्या करें, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं, हमारे लिए क्या व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था ना करो तो वापस नाराज होकर चले जाते हैं। तो जहाँ देश में ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि कोई भी उत्सव बिना शराब के न तो शुरू होता हो न तो पूरा होता हो, वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें शराब नहीं परोसी, जिसमें मांसाहार नहीं परोसा, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने समझा कि जा करके इनको आशीर्वाद करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुलाया था और मर्यादा रखते हुए सब निभाया भी। स्वामी जी, अखिल भारतीय संत समिति ये आरोप लगाई है कि संतों को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, शादी विवाह क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो शब्द बोल रहे हो आप ना, अगर ये उन्हीं के द्वारा कहा गया, संत समिति के किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द है, तो हमारी आपत्ति है। हमारे यहाँ शादी होती ही नहीं है, शादी शब्द ही हमारे हिंदुओं का नहीं है, हमारे यहाँ विवाह शब्द है। तो शादी का तो सवाल ही नहीं है हिंदू में, आप शादी शब्द का उच्चारण ही कैसे कर पाते हो पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात यह है कि विवाह है क्या, तो आप जानेंगे कि हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में चार वर्ण और चार आश्रम बताए गए हैं। चार आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है, और इनमें चारों में हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने कहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे धन्य आश्रम बताया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो तीन आश्रम हैं वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। ब्रह्मचारी के पास कोई उत्पादन नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम से ही स्वयं उत्पन्न होता है और गृहस्थ आश्रम से ही उसको खाने पीने को मिलता है, पालन पोषण होता है। इसी तरह से वानप्रस्थ और सन्यासी भी अपने पास कुछ नहीं रखता है, जब उसको भूख लगती है तो गृहस्थ आश्रम के पास जाना पड़ता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, हम लोग सन्यासी हैं, 23.5 घंटे के सहनशाह हैं, तो हम लोग उनसे पूछते थे कि 23.5 घंटे के सहनशाह, आधे घंटे? बोले आधे घंटे तो हम भिखारी हैं,
जब हमको भूख लगती है उसके पहले जब तक भूख नहीं है तब तक तो हम त्याग में, तपस्या में और साधना में लीन रहते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो किसी न किसी गृहस्थ के दरवाजे जा करके हमको भी भिक्षा याचना करनी पड़ती है और उस समय हम भिक्षुक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गृहस्थ आश्रम है उस गृहस्थ आश्रम को अगर हम बल नहीं देंगे तो कौन बल देगा, और अगर हमारा गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया तो फिर भारतीय संस्कृति ही बिगड़ जाएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम की इस तरह से अवहेलना ना की जाए और ये ना कहा जाए कि गृहस्थ आश्रम में किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाना चाहिए, और ऐसा कोई वाक्य कहीं अपने शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है। और हमारे जो पूर्व पुरुष हैं उन पूर्व पुरुषों में पुरी के शंकराचार्य पूज्यपाद निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का अभी चित्र हमारे पास आया है, इनके पास किसी भक्त ने भेजा है, उसके विवाह में स्वयं वो गए थे। हम लोग तो दूसरी तरह की मर्यादा में बैठ करके वहाँ आशीर्वाद दिए, लेकिन वो तो वर वधु के साथ खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि पुरी के पूर्व शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनको बहुत बड़ा धर्मशास्त्र का ज्ञाता माना जाता था और अपने समय में वो शंकराचार्यों में सबसे अधिक मुखर रहते थे और धर्म की बात करते थे, वो स्वयं गए हैं। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज के बारे में अनेक लोगों ने बताया कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दिए थे। स्वयं इस समय दूसरे जो शंकराचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, उनके बारे में लोगों ने बताया, फोटो भेजा हमारे पास कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो ये जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, पूजनीय पुरुष हैं, ये विवाह में जा करके और आशीर्वाद देते रहे हैं। क्यों देते रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम अगर बिगड़ गया तो सब सारे आश्रम बिगड़ जाएंगे, इसलिए गृहस्थ आश्रम को बनाए रखना चाहिए। ये जो परिवार नाम की संस्था है ये गृहस्थ आश्रम से आरंभ होती है और ये भी बहुत पवित्र आश्रम है, धन्य है। ऐसे में इसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्माचार्य का दायित्व है। अगर हमारे यहाँ विवाह की संस्था समाप्त हो गई, अगर गृहस्थ आश्रम समाप्त हो गया, तो फिर वर्णाश्रम धर्म रह नहीं पाएगा।